इसको बताओ ना, वो इसी का बच्चा है। वो नहीं मान रही, वो मानना ही नहीं चाह रही, तो मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ? वो तो अपना क्या, वो मेरा भी नहीं मनाना चाह रही ना। वो कह रही सिर्फ जिंदगी में मैं हूँ और ये है और कोई नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। अंदर से मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, हल्का हल्का फीवर भी है, क्योंकि कल का शूट इतना हेक्टिक रहा है और इतना ज़्यादा वर्कलोड रहा है कल कि थोड़ा सा मुझे फीवर हो गया। और आपको मैं मिला देता हूँ कैंडू से, कैंडू की मम्मा से और कैंडू की बेबी से, जहाँ से अब अगले कई दिनों तक हमारा ब्लॉग यहीं से शुरू होने वाला है। यानी कि बच्चा दूध पी रहा है और कैंडू की मम्मा उसके पास में बैठी हुई है। हाय फ्रेंड्स, हमारा देख लो, हाल देख लो। कल रात को 2 बजे घर पे आए हैं और 2 बजे आके इसको दूध दिया, फिर 4 बजे का अलार्म लगाया अविनाश ने, फिर 6 बजे मैं उठी हूँ, फिर 8 बजे हर 2 घंटे के टाइम पे उसको दूध चाहिए। और ये इतनी हर्राफा है, मैं आपको बताऊँ, ये इतनी तेज लड़की है, ये ना ऐसे राउंड हो जाती है, पूरी राउंड होके दूध पीती है। ये देखो ऐसे राउंड हुई होती है और इसको रोकोगे नहीं ना तो ये दूध पीती जाएगी। और उसकी पेट पे बहुत जोर से लाते मारती है, बहुत तेज तेज ऐसे लात मार रही है। देखो देखो, फिर ढूंढ रही है और ढूंढ रही है। कैंडी को बदला मिल रहा है ना, कैंडी तुम्हारे पेट पे लाते मारती थी ना सोते हुए, खूब तुम्हें तंग करती थी। बेबी इसका पेट बहुत ज्यादा भर गया यार, ये देखो। इसको लिमिट नहीं पता क्या अपनी, तुम्हारी तरह कितना खाना है? ये चेरी की तरह, ये देखो ना। और आपको पता है अभी तक चेरू बाहर बैठे नाराज हुई हुई है कि मेरे को नहीं मिलवा रहे हो, अंदर कुछ है जो मुझे पता है लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या है। तो चेरी से भी अभी मैं मिलवाती हूँ। नहीं नहीं, मान के बैठे, इससे नहीं मिलवाएंगे अभी, इससे नहीं, फिर सबसे तो मिलवा दो ना। अच्छा, लोगों को मिलवा दे, इससे तो अभी नहीं मिलवा सकते भाई। नहीं नहीं, अरे बेबी इसका छोटे छोटे मुंह देखो यार, छोटा छोटा पैर देखो जरा। अब तो अपने आप ढूंढ ले रही है कहाँ दूध है कहाँ नहीं है। जब दीदी ये देखना, देखना मैं छुड़ा रही हूँ इसको, ये देखो छुड़ा रही हूँ, और ये देखो करी मुझे और दो। कब से दूध पी रही है ये? जब से तुमने बोला था पेट देखो इसका। पैर कैसे पिंक है, पाव एकदम पिंक, मुंह भी तो पिंक है, मुंह पिंक है, चेहरे पे बैटमैन का नकाब पहना हुआ है ऐसा लग रहा है। और ना बिल्कुल रुकती नहीं है, जा पीन दो। बेबी और कितना पीना, इसको छुच्छु भी तो कराना है। अरे रात में पूरे मेरे हाथ में पॉटी कर दी इसने, बताए। तो वो तो सब करे, और जितनी बड़ी है उतनी पॉटी करती है, बताइए अपने साइज की। एक सेकंड, अब मैं इसको छुच्छु करा। चल बाबू छुच्छु कर लेंगे आप, छुई छुई का टाइम हो गया। अब मम्मा को इतना नहीं सुसु कर दिया, कर दिया अभी कहेगी पॉटी। तो ये पपीज का क्या होता है, मतलब इनको यहाँ पे रब करो टिश्यू तो एक्साइटेड होके करते हैं? नहीं बेबी, क्या होता है बेसिकली, ये नेचुरल होता है, मदर जब इनको इनको चाट के क्लीन करती है ना, हाँ। उसी टाइम ये सुसु करते हैं, पॉटी करते हैं। हुँ. अब मदर तो कह रही है कि मेरा बच्चा ही नहीं है तो ये हमें करना पड़ेगा ना। ये देखो पॉट्यू भी कर दिया, पॉट्यू भी किया। पूरा बाहुबली पे गई, अरे बाप रे, बहुत पॉटी कर दिया रे, तो पूरा बाहुबली पे गई है ना बेबी। पूरी पूरी पूरी। तो इसका नाम शिवागामी रखना है क्या? मैं बेबी जरा जा रहा हूँ कुछ काम करने, तुम ये पॉटी वोटी क्लीन करके बाहर आओ, चेरू मामा से मिलाओ। हाँ तो जी, जहाँ ये अब दूध पी के सो गई है, ये इसकी फिलहाल जगह है, और मैं बाहर जाके आपको चेरी से भी मिलवाती हूँ। आजा मेरी गुड्डी, आजा मेरे साथ, तू मेरे साथ ही रहेगी ना। आजा गुड्डू, आजा। अरे अरे, सोई तो है ही नहीं अभी तक, ये ऊपर पता नहीं कहाँ चढ़ती है, यहाँ छोना है बेटा। लो जी मेरा चेरू मामा, ये रहा चेरू मामा से मिल लो। चेरू मामा की दवाई लगा दी मम्मा ने, नाराज है चेरू मामा, मिलवा नहीं रहे हैं, अभी सोई हुई है, मिलवाती हूँ। और आपको बता दूँ, कल की शूट से हमारी हालत ऐसी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। अविनाश की तबीयत खराब है और मेरी बिल्कुल मतलब हड्डियाँ जवाब दे गई हैं, बिल्कुल। आए इतना लाउजी ब्लॉग बनने वाला है ना, लाउजी, कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन बनाएंगे, ब्लॉग तो बनाना है, ब्लॉग तो बनेगा। क्यों बेबी? तुम ही बनाना बेबी, मेरे से तुमने कैमरा ऑन करवा दिया, शुरू का मैंने बना दिया, आगे मैं नहीं बना पाऊंगा। मेरे शरीर में ऐसी ठंडी ठंडी हवा दौड़ रही है अंदर, पता है। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं बना लूंगी। और चिट्टी मामा मेरे पीछे पीछे है, चिट्टी को अपने बच्चे की कुछ पड़ी ही नहीं है, देखो वो सिर्फ मेरे पीछे है। आजा चिट्टू, आजा आजा। ये देखो, इस संभावना के बिना ना 2 मिनट भी नहीं रह पा रही है। वो बाथरूम में गई है नहाने और ये इतनी जोर जोर से रो रही है। बेबी जल्दी आ जाओ, इससे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही यार जुदाई तुमसे। क्या हो गया, क्या हुआ, इतना तोड़ है मेरा बच्चा यार, यार ये तो बहुत रो रही है यार, कहाँ हो गया मेरा बाबा का। चलो अब मम्मा के पास बाहर बैठेंगे, चल। जी देख लो, फीड लेता हुआ बच्चा, ये देखो कैसे उल्टा होके, अबे सीधा हो जा, सीधा हो जा, ओ लड़की सीधी ही नहीं हो रही, देखो हो गई, ये तो बहुत तेज है यार। तो जी हम लोग थोड़ा अपने काम में बिजी हो गए थे, अभी फ्री हुए हैं, तो अब उसको दूध पिलाने का टाइम हो गया, मैं बेड लेके आया हूँ उसका। इसकी हालत बहुत ज्यादा, क्यों इतनी खराब हो रही है यार, ऐसे क्यों कर रही है मेरे साथ, जोर जोर की चिल्ला रही है मुझे देख के। मुझे लग रहा है कुछ दिन तो होगा ये। अच्छा बाबा,
मम्मा पास में है आपके, इतनी इनसिक्योर हो रही है ना। क्या हो गया बच्चा मेरा, है क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रहा है बच्चा। अच्छा बुड्ढी जो भी भूखू लगा है ना, उसको भूखी लगी है ना, आपका बेबी है ना भाई। पी लिया दूध, चिच्चू पोती छप कर लिया है हमने, और हम यहाँ पे आ गए हैं। अब चिच्चू पोती के बाहर हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये रहे हम। अरे यार ये आए हम, हमसे कोई पंगा नहीं लेगा, हम बैटमैन है, हमसे कोई पंगा नहीं लेगा, हम उड़ते हुए आएंगे और दुश्मन को खत्म करके जाएंगे। मेरी हर्राफा है नंबर की, चल वहाँ पे चल कीड़ी। तो आखिर नानी भी तो तुम हो, तुम्हारी तो हाँ, मेरे पास मेरी कैंडी है, मैं कीड़ी को क्यों प्यार करूंगी। कैंडू मम्मा कैंडी के पास रहेगी कि कीड़ी के पास। आई बड़ी इसको बताओ ना, वो इसी का बच्चा है। वो नहीं मान रही, वो मानना ही नहीं चाह रही, तो मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊ। वो तो अपना क्या, वो मेरा भी नहीं मनाना चाह रही ना, वो कह रही सिर्फ जिंदगी में मैं हूँ और ये है और कोई नहीं। दीदी ऐसी कौन बच्चा सोता है, ऐसे कौन सा बच्चा सोता है बेबी। तो तू मस्त लड़ाई ले रही है, ये उल्टा होके सो रही है बेबी। बच्चा तो उल्टा होके नहीं सोता, सब ठीक है ना। कैसे पता चली गई, मुझे पता नहीं ना। ओ बेटो उल्टे क्यों गई तू, हमको डरा मत, अभी तो इसकी बस यही कहानी है, उठेगी दूध पिएगी और सोएगी बस। हाँ लेकिन इसकी एक्टिविटीज जल्दी फास्ट हो रही है, मैं देख रही हूँ। लेकिन ये रो नहीं रही है बिल्कुल भी, रोती नहीं है। हाँ रोती नहीं है, ये उठाओ तो रोती है और सो गई है वो, पता है ये सो चुकी है, हाथ में सो गई है। हाँ हाथ में सो चुकी है, देखो सोने दो सोने दो, रख दो रख दो रख दो, मैं नहीं पकड़ूंगा ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं पकड़ पाता, मुझे अजीब लगता है। रुको रुको अंदर चलो अंदर चलो, कैंडी अंदर चलो। दूर करो दूर करो कैंडी, रुक जा बेटा एक मिनट, मम्मी घुमा के लाइए ना उनको। बेटा एक सेकंड बेटा, दीदी डिटॉल दे दो मेरे को जल्दी से। इधर उनको धुलने दे, इधर चल इधर चल, तो रुक जाना कैंडी को धुलने दे। कैंडू रुक जा बेबी, उसको हटाओ एक सेकंड। चलो इधर चलो चलो उधर चलो उधर चल चलो उधर उधर चल। तो मैं ना स्पेशली कैंडी की वजह से, क्योंकि ये कहीं कैंडी के आसपास जाते हैं, इसको तो नीचे लेके नहीं जा रही, लेकिन वी मेक श्योर कि पहले इनके हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद डिटॉल से मैं थोड़ा सा स्प्रे मार देती हूँ, सो दैट कीटाणु निकल जाए। चेरी तो और भी हर्राफा है ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में। आज पता क्या हुआ बेबी, क्या तुम्हें नहीं पता ना, तुम जूम कॉल पे थे, क्या हुआ, दरवाजा खुला रहा और ये गायब हो गई घर से। क्या बात कर रही हो, ये गई है उतरते उतरते चौथे माले पे, चौथे माले पे जाके थक गई तो वहाँ पे बैठ गई। क्या बात कर रही हो, चौथे माले पे जाकर थक के बैठ गई और जब दीदी ने आवाज दी तो इसने आवाज दी कि मैं यहाँ पे हूँ, और हड्डी भी इसकी हो गई होगी, मुड़ गई होगी उतर उतर के। इसको लगाया डिटॉल, लगा दिया ना। अब मैं जरा अपने हाथ पैर धो लूं, फिर इसको दवाई लगाऊंगी, इसको दवाई खिलाऊंगी, इसको दवाई खिलानी है, मेरे को बहुत काम है भैया। दीदी मेरे को सारे बच्चों की दवाइयाँ दे दो, कौन आएगा एक एक करके, कोको कैंडी चेरी, चलो दवाइयों के लिए तैयार हो जाओ। पूरा कुत्ता घर बना के रखा हुआ है बदतमीजा, तो इधर आ। इसकी दूसरी वो भी वैक्सीन लगानी है ना। कैंडू मामा आपको भी दवाई दे दूँ, पहले खाना खा लो आप फिर आपको दवाई देती हूँ, ठीक है। मम्मा अभी डांटेगी नहीं आपको, क्यों डांटेगी मम्मा। क्या बात कर रही हो, तुम्हारी कसम, देखो 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 काट रहा है। तुम तो कटवा रही हो, दांत ही नहीं कैसे काटेगा, एक दांत नीचे गिर गया देखो। अरे जोश में आया हुआ आज, वो जोश में कैसे आ गया ये। हाँ, ओ बेबी मसूड़ों से ही काट रहा होगा, कुछ हो थोड़ी रहा होगा। नहीं नहीं पीछे दांत है ना। अच्छा अंदर वाले दांत से काट रहा है, चौभर चौभर, ये देखो ये देखो, अरे ये देखो कैसे काट रहा है बेबी, इट वॉज दांत बेबी, ये तो ऐसा नहीं करता, ये क्या कर रहा है। अरे बाप रे जोश में आए हुए पूरे। मैं आपको बता दूं, हम लोग इतने टायर्ड हैं, तो ये जितना भी खाना है आज का, वो हबीबी के पेरेंट्स ने बना के हमें भेजा है, उनके घर से आया है। मैं देख रही हूँ कि क्या है, मुझे लग रहा है ये तो कड़ी है। उन्होंने हमें बोला कि आप खाना मत बनाना, हम आपको भेजेंगे। यार ये क्या लोग हैं यार, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं यार, मतलब दे डिड एवरीथिंग फॉर अस। कल मेरे बच्चों को लेके गए वो लोग, सब कुछ किया, उसके बाद आज खाना बना के हमें भेजा है, बिकॉज दे न्यू वी वर टायर्ड। मतलब मेरी लिटरली आंखें बंद हो रही हैं और अब हम लोग खाना खाने बैठेंगे। आपकी जिंदगी में कुछ, आपको ना बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ लोग जीवन में अच्छे मिल जाए ना, दैट्स इट। आपको बहुत सारे दोस्तों की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ऑनेस्ट फ्रेंड्स चाहिए होते हैं जो आपके लिए एक्चुअली सोचे हैं। ये देखो स्टोरी कड़ी, बहुत ही शानदार लग रही है। चेरी की नजर देखो ना कैसी कड़ी पे। मैं ये कैसे चुका पाऊंगी हबीबी के पेरेंट्स को। अरे वाह तुम नहीं खाओगी चॉकलेट, चाकी चाकी पे खाऊंगी। अरे जेली बेबी, पहले मैं खाऊंगी कड़ी, जरा सिमरा को मैं टेस्ट करके बता दूं कि कैसी बनी है। ये आया हबीबी के नाम पे,
क्या हो गया? अरे क्या हो गया? इतनी टेस्टी कड़ी कोई नहीं बना सकता बेबे। यार वो देख के इतनी शानदार लग रही है ना, क्या तो उसका कलर है। बेबे प्लीज अपना खाना डाल लो एंड गेट लॉस्ट। चेरी देखो ना कितने उससे वेट कर रही है। मैं एक सेकंड जरा अपना प्यारा वाला फीडबैक दे देती हूँ। आप पहले ये अविनाश जी खाएंगे और फीडबैक देंगे हबीबी के पेरेंट्स को। एक थके आदमी को अगर इतनी टेस्टी कड़ी मिल जाए, आपको अंदाजा है इसके बाद मुझे कैसी नींद आने वाली है यार। सच में ये तो ऐसा हो गया कि मतलब रेगिस्तान में किसी को पानी मिल जाए ना। क्या टेस्ट है यार इस कड़ी का। थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करते हैं, पहले दबा के खा लेते हैं, उसके बाद पता नहीं ब्लॉग बनेगा नहीं बनेगा, कहीं यही ना सो जाए सोफे पे। तो जी हम लोग थोड़ी देर के लिए उठ के खाना खा रहे थे, इसको यहाँ दूध पीने के लिए लगाया तो कैंडी भाग गई इसको दूध पिलाते पिलाते। हालांकि बीच बीच में अपने आप को एडजस्ट कर रही है कि वो ठीक से दूध पी पाए। और आज थोड़ा सा छोटा बेबी के लिए अलग इंतजाम किया है, ये जो घर है इसके अंदर इसकी टोकरी रख दी है ताकि और वार्म रहे ये, और ये इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, कवर कर देंगे, और रात को जिस जिसकी बारी होगी उसको दूध पिलाने के बाद यहाँ पे चुचुपोटी साफ होगा, यहाँ पे क्लीनिंग होगा, ये सब छोएंगे। तुम पहले 2 मिनट यहीं बैठो ताकि वो तुम्हारे पीछे पीछे ना भागे। हाँ ठीक है, नीचे बैठो 2 मिनट। कैंडी मेरे बिना आपको लग रहा है कि वो सोएगी? माँ है, उसको माँ के पास सुलाओ। आपको मालूम है वो क्या करेगी? बच्चा ही दब जाएगा यहाँ पे, तो माँ को तो यही सुलाना पड़ेगा मुझे। चल अभी जैसे दांत दिखा रही थी ना पहले, इसको अब ऐसा नहीं कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों को लग रहा हो कि कैंडी क्यों नहीं सोएगी बच्ची के पास, आप बच्ची को कैंडी के पास सुलाओ। आपको मालूम है कितनी बार दांत दिखाए कैंडी ने बच्चे को, तो उसके पास तो हम लोग अकेले छोड़ नहीं सकते, पीट पाट के निकल जाएगी। एक्चुअली सर्जरी से बच्चा आया ना और वो बेहोश थी, तो उसको अब तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मेरा बच्चा है। तो अब धीरे धीरे होगा, मतलब अब होने लगा है, क्योंकि थोड़ा बहुत ना अपना पेट एडजस्ट कर रही है अब कि भाई दूध पी ले तू। बेबी उसको पीने दो ना यार, उसको इतना तंग कर दिया कि मैं करूंगी तंग। वो आराम से पी रहा था, मेरा बच्चा मैं तंग करूंगी। वो खड़ा कैसे हो रहा है, खड़ा कैसे हो रहा है 2 दिन का बच्चा? एक तो ये स्टुअर्ट लिटिल नहीं लग रहा बेबी, कहीं कहीं से पीछे से ना मेंढक का बच्चा भी लग रहा है। मेंढक का, चूहे का, उसको अभी तक बेबी मिला ही नहीं पता है। ए, ए, आया। जैसे वो पहले लेटी थी ना साइड वे, वो बेटर था, पी पा रहा था वो अच्छे से, उल्टा होके ना उसको उल्टा लेट के पीने में मजा आ रहा है। तुम्हें बहुत पता है कि उसको कैसे मजा आ रहा है कैसे नहीं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कैमरा खोलते हो ऑडियंस के सामने सारी लाइमलाइट लपेट जाते हो, तो गुस्सा दिलाना नहीं मेरे को। तुम्हें अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, उसको लेटा के देखो तुरंत उल्टी हो जाएगी पीठ के बल और दूध पीने लगेगी पीठ के बल होके। हाँ वो ढूंढ लेगी, बैटमैन है वो, ढूंढ लेगी। देखा बेबी, इसको कल एक काला टीका लगा दोगी क्या? लगा सकते हैं अभी है? काला टीका अभी क्या लगा देती? नहीं लेकिन कोई उससे एलर्जी इन्फेक्शन तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा क्या तुमने काला टीका बताया है ना, हल्का सा पीठ पे कर दो। ये जी बच्चे को लगा दिया मैंने काला टीका, वैसे तो वो काला ही था। अभी कितनी देर का पीने दूं? ओवर पेट नहीं भरना चाहिए इसका। कितनी देर से पी रहा है, मतलब पी रही है? 5 मिनट हो गए मेरे को लगता है। 5 मिनट में 3 मिनट तो उसको मिला ही नहीं यार पीने को, ढूंढ ही रहा था, रही थी। कैंडी को तो यहाँ लेके सो रही हूँ, ठीक है? तो जब तुम बच्चा को पिलाने लाओगे यही ले आना। तो जी कैंडी आ गई हमारे पास, ये रहा विनाश, वो रहा बेबी अंदर, बहुत अच्छे थे, उसको समेट के रख दिया अब हमने, उसको हमने बिग बॉस का जंगल थीम दे दिया। हाँ, और ये रही कैंडी की मम्मा जो कैंडू को हर वक्त चाहिए। तो इसके साथ ब्लॉग एंड करते हैं और आपको मिलते हैं अपने कल ब्लॉग में, और देखते हैं कि बेबी कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। नामकरण कब करना है बेबी? नामकरण जल्दी करेंगे, मुझे लग रहा है वो तो जिस हिसाब से उसकी हरकतें हैं वो 2 दिन में खुद ही अपना नाम बता देगा।